गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क में ये कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कितने टाइप्स का होता है और इसके कुछ नेटवर्किंग टर्म्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो अलग अलग कंप्यूटर या उसकी डिवाइसेस का एक इंटरकनेक्टेड ग्रुप होता है। दिस मीन्स डैट यू कैन अटैच बोथ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस टू अ नेटवर्क। मीन्स इसका मीन्स क्या है कि आप कंप्यूटर को और उसके डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क में अटैच कर देते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ नेटवर्किंग इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। जो इसका मेन पर्पज़ होता है वो रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है। चीप एंड फास्टर कम्युनिकेशन इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। और इसका जो सेकेंड एडवांटेज है वो है चीप एंड फास्टर। मतलब जो नेटवर्किंग होती है काफ़ी चीप होती है, फास्टर इसमें कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज इन अ नेटवर्क इज यूजुअली स्टोर सेंट्रली फॉर एनी एक्सेस बाय ऑल द नेटवर्क यूजर। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर होती है, जिससे हर एक कंप्यूटर उस नेटवर्क का यूज़ कर सकता है। नीड फॉर एन नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर हैव बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ। कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या यूजेस हैं, हम कहाँ कहाँ उसका यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ नीचे बता रहे हैं। रिसोर्सेज शेयरिंग। सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर के रिसोर्सिंग, जो भी उसके रिसोर्स होते हैं, जैसे हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं लाइक प्रिंटर, मॉडेम्स, एवरीबॉडी कैन शेयर द प्रिंटर इन ऑफिस इंस्टेड ऑफ ईच यूज़र हैविंग द इंडिपेंडेंट वन। मीन्स जो भी उसके हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे प्रिंटर होता है, मॉडेम होता है, तो हम उसको शेयर कर सकते हैं, एक ही कंप्यूटर में उसको अटैच कर देंगे, पूरा नेटवर्क उससे कनेक्टेड हो जाएगा। मीन्स क्या है कि हम एक ही ऑफिस में एक ही प्रिंटर से सभी अलग अलग कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग इन अ प्लेस वर्क प्लेस। People using the same data can share it over a network by storing it centrally. इसमें हम फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं। जो भी हमारा फाइल होती है वो हम जो भी डाटा होता है हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहता है, सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर रहता है, और उसे उस डाटा को कोई भी कंप्यूटर से बैठकर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस विल अवॉइड क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल। तो इससे क्या होता है कि हम एक ही फाइल की बार बार कॉपीज़ उसको नहीं बनाते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ हमको नहीं बनानी पड़ती है। कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड मैसेजिंग आर द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं, मैसेजिंग करने का जो मेथड है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया है आज के टाइम में। डिस्टेंस डजंट मैटर व्हाइल यूजिंग ईमेल्स। तो अब दूरियाँ नहीं रही हैं जब तक ईमेल्स हैं। ईमेल्स के आने से जितने भी लोगों के बीच की जो दूरियाँ थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, जो कम्युनिकेशन गैप था वो अब कम्प्लीट होता जा रहा है। इसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड टाइम सेविंग। वाय शेयरिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम्स, मॉडेम्स, द नीड ऑफ सेपरेट फेयरवेल्स इज अवॉइडेड। मीन्स हम जब एक ही प्रिंटर को, स्कैनर को, वेबकैम्स को, मॉडेम्स को जब पूरे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ शेयर कर देते हैं, तो हमें हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर, स्कैनर या वेबकैम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम्युनिकेटिंग ओवर अ नेटवर्क सेव्स टाइम एज योर ईमेल मैसेज रीच ऑलमोस्ट इमीडिएटली एज यू सेंड इट। और जो भी कम्युनिकेटिंग हम नेटवर्क के थ्रू करते हैं उससे हमारा टाइम भी सेव होता है। जैसे ही हम कोई मेल या मैसेज पास करते हैं वो तुरंत ही सेंड हो जाता है। ईमेल आर आल्सो मच चीपर देन यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड बाय टेलीफोन फैक्सेस। और ईमेल एक बहुत ही चीपर वे है, बहुत ही सस्ता तरीका है कि हम बहुत ही कम पैसे में उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रेडिशनल मेथड जैसे टेलीफोन या फैक्सेस जो हम पहले यूज़ करते थे उससे बेटर है। शेड्यूलिंग एक्टिविटीज़। अ वैरायटी ऑफ नेटवर्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टुडे। कुछ नेटवर्क के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आज के टाइम में अवेलेबल हैं, जिससे क्या होता है कि हम उससे शेड्यूल बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सच सॉफ्टवेयर इट बिकम्स इजियर टू अरेंज मीटिंग विदाउट कॉन्स्टेंटली चेकिंग एवरीवन शेड्यूल। हम इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से अपनी मीटिंग्स को अरेंज कर सकते हैं, हमें हर एक पर्सन के या उसके शेड्यूल्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद है शेयर इंटरनेट एक्सेस। वाइल टेक टॉकिंग इन ऑफ नेटवर्किंग यू कांट लीव आउट इंटरनेट। जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम नेटवर्क इंटरनेट को नहीं छोड़ सकते हैं।
क्योंकि इंटरनेट की वजह से ही ये सब पॉसिबल है। इफ़ देयर आर मैनी कंप्यूटर्स व्हाट अ सिंगल टेलीफोन लाइन, अगर आपके पास कई सारे कंप्यूटर हैं लेकिन एक ही टेलीफोन लाइन है, तो यू कैन कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट थ्रू द नेटवर्क, तो आप हर एक कंप्यूटर को उस नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी कैन बी हैंडल्ड इजीली यूजिंग अ नेटवर्क, जो भी डाटा सिक्योरिटी होती है वो आसानी से हैंडल हो जाती है। डाटा एंड नेटवर्क इज सेंट्रली स्टोर्ड, जो भी हमारा डाटा होता है वो एक मेन कंप्यूटर होता है उसमें स्टोर रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर। डाटा सिक्योरिटी नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन अ सिंगल मशीन, और इसलिए हमको केवल डाटा की सिक्योरिटी के लिए केवल एक ही मशीन पर, एक ही कंप्यूटर पर फोकस करना होता है, हर एक कंप्यूटर पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। सबसे पहले है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, फैक्स मशीन्स, टेलीफोन्स, पीडीएस स्कैनर्स क्लोज टू वन पर्सन इज कॉल्ड अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब कोई भी डिवाइसेस, जिस कोई भी कंप्यूटर डिवाइसेस जो हम इसमें नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे प्रिंटर, फैक्स मशीन या टेलीफोन या स्कैनर्स, तो ये सभी क्या बनाते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। द रीच ऑफ अ पैन इज टिपिकली अबाउट विद इन द 20 or 30 feet, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 9 meters, और जो इसकी रेंज होती है वो 20 से 30 feet या फिर 6 to 9 meters की होती है। इसके बाद आता है लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल एरिया लाइक ऑफिस और बिल्डिंग इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क और लैन। जो भी हम छोटे से बिल्डिंग में या एक ऑफिस में जो हम नेटवर्क बनाते हैं, जो स्मॉल एरिया को कवर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। टुडे यू कैन हैव वायर्ड और वायरलेस लेंस, आज के टाइम में आपके पास वायर्ड और वायरलेस लेंस दोनों बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल विल हैव अ लेंस फॉर यूज़र टू इंटरकनेक्ट लोकल डिवाइसेस। तो ऐसे स्कूल में अगर कुछ लोकल डिवाइसेस को आप इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लैन नेटवर्क बना सकते हैं, जैसे प्रिंटर अटैच करना या सर्वर अटैच करना है टू अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। टोटल डायमीटर ऑफ द लैन शुड बी विद इन 5 kilometers, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन इज 100 Mbps, और इसका जो डायमीटर होता है वो 5 kilometers तक का होता है, और इसकी जो स्पीड होती है कम्युनिकेशन वो 100 Mbps होती है। इसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क डेट कनेक्ट्स टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क्स टूगेदर वट लाइज विद इन अ बाउंड्रीज ऑफ द इमीडिएट टाउन, सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब कई सारे जो हम लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्टेड कर देते हैं, तो एक बड़ा सा नेटवर्क बन जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर मैन बोलते हैं, जो एक सिटी या किसी टाउन के बाउंड्रीज तक ही रहते हैं। स्पेशल डिवाइसेस लाइक द राउटर, स्विचेस एंड हब्स आर कनेक्टेड टू क्रिएट अ मैन, और कुछ स्पेशल डिवाइसेस हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, हब्स हैं, एक नेटवर्क, मैन नेटवर्क बनाने के लिए। इसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन, अ वैन इज़ अ लार्ज डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डेट कवर्स अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया। जो मैन होता है वो एक बड़ा सा कम्युनिकेशन नेटवर्क एरिया होता है, जिसमें कई जियोग्राफिकल एरिया आता है, जैसे आप सिटी टू सिटी कनेक्ट कर देते हैं या कंट्री टू कंट्री कनेक्ट कर देते हैं, अपना पूरा नेटवर्क सिटी टू सिटी में कनेक्ट कर देते हैं या फिर कंट्री टू कंट्री में कनेक्ट कर देते हैं। मैन मे यूज़ वेरियस ट्रांसमिशन फैसिलिटीज सच एस टेलीफोन लाइन्स, रेडियोस, सैटेलाइट्स एंड माइक्रोवेव्स। मैन हमको कई सारी ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ भी देता है, जैसे टेलीफोन लाइन्स हैं, रेडियोस कनेक्शंस हैं, सैटेलाइट हैं, माइक्रोवेव्स हैं। द वैन कैन कवर अ रेंज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, 1000s of kilometers। और जो मैन का जो एरिया होता है, उसका रेंज जो होती है वो 1000 kilometers तक हो सकती है, उससे भी ज़्यादा आप उसको अरेंज कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। इसके बाद आता है नेटवर्किंग टर्म्स। इसमें कुछ हम नेटवर्किंग के बारे में कुछ जो कम टर्म्स होते हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे इंटरनेटवर्क। व्हेन पब्लिक, प्राइवेट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंटल नेटवर्क्स मे बी इंटरकनेक्टेड, इट इज़ कॉल्ड इंटरनेटवर्क। कुछ पब्लिक नेटवर्क्स, प्राइवेट नेटवर्क, कमर्शियल नेटवर्क्स या फिर गवर्नमेंट नेटवर्क, इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स को जब आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इंटरनेटवर्क बन जाता है। टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रानेट, एक होता है इंटरनेट। इंट्रानेट क्या होता है, एंड इंटरनेट इज़ अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन, सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स फॉर्मिंग द इंटरनल नेटवर्क बेस्ड विद इन अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो इंट्रानेट होता है
वो किसी भी एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनाते हैं उसे हम इंट्रानेट बोलते हैं, इंट्रानेट। फॉर एग्जाम्पल, अ पीपल ऑफ इंडियन रेलवे आर कनेक्टेड टू देयर ओन नेटवर्क विच कैन नॉट बी एक्सेस बाय समवन आउटसाइड। जैसे जितने भी इंडियन रेलवेज के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी पीपल्स होते हैं, उन सभी का एक अपना नेटवर्क होता है जिसे कोई भी बाहर का या आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, उसमें कनेक्ट नहीं हो सकता, उस नेटवर्क के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। ओनली जितने भी इंडियन रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ होंगे वही केवल उस नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें सर्च आउट कर सकते हैं, कोई भी आउटसाइडर उसको सर्च नहीं कर सकता है। तो ये होता है इंटरनेट। दूसरा है इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जो इंटरनेट है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉलर नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड। और इसमें छोटे छोटे मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स जुड़े होते हैं। इट इज़ पब्लिकली एक्सेसिबल। और ये पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, इसमें कोई भी पर्सन जाकर इसको एक्सेस कर सकता है। एंड ट्रांसमिट डाटा यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। और कोई भी इसमें से डाटा को एक्सेस कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, उसके लिए उसको एक इंटरनेट स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।